नागपुर शहर के गोकुलपेट की इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स दुकान और नारी रोड के एक मकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई थी, लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया। पहली घटना गोकुलपेट में शनिवार के देर रात करीब 12:50 हुई। जयश्री इलेक्ट्रिकल नामक दुकान में आग लगी। इस आग में LCD, होम थिएटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने लगे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग के सिविल लाइंस और त्रिमूर्ति नगर फायर स्टेशन की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। इस आग में इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने से 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरी घटना नारी रोड पावर ग्रिड चौक कडू लेआउट में रविवार की शाम 4:30 हुई। मकान मालिक राजा कैथवास के किराएदार श्याम मांडवे के मकान में भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग में मांडवे के घर का कूलर, कपड़े, दस्तावेज और अन्य सामान जलने से 30,000 रुपए का नुकसान हो गया।